आइलैंड है वो बहामास में है और ये एमएससी ने लीज पे ले रखा है आइलैंड। देख रहे हो आप लाइक व्हाइट कलर का जो ऊपर दिख रहा है वो लाइट हाउस है, तो वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग उधर कि नहीं? जा सकते हैं, उधर ही जाना है। स्कूबा डाइविंग होता है वहाँ पे, सब गियर्स वगैरह रखे हैं। अच्छा, आगे जाओगे तो वहाँ पे जेट स्की वगैरह जो रखे हैं। अच्छा, किसी को जेट स्की करना है तो ऐसा पूरा। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, जय श्री राम। तो अभी बज रहे हैं 11:45 और मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ। आज जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ बाहर। हम लोग आज ओशन के में है, ये एक आइलैंड है जो कि एमएससी का आइलैंड है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं जब बाहर जाऊँगा तब बताऊँगा। पहली बार जा रहा हूँ मैं यहाँ पर और मुझे एक महीना हो गया कभी बाहर नहीं गया, तो ऐसे अब फील हो रहा है अंदर से कि अभी मुझे बाहर जाना चाहिए। देखिए क्रूमेस में आ गया मैं और आज खाने में है मसूर की दाल। तो यहाँ पे इंडियन खाना रोज़ मिल रहा है तो दाल वगैरह होती है और साथ में थोड़ा सा दही भी ले लिया मैंने, चावल और ये अपना सलाद। तो चलो खाना खाते हैं अभी क्योंकि बाहर जाना है, तो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो मैं रेडी हो चुका हूँ और निकल रहा हूँ बाहर के लिए। और बीच है यहाँ पे ओशन के में, तो बस वही टी शर्ट कैप ले लिया है, चश्मा, फोटो वगैरह यहाँ पे अच्छे आते हैं। तो बाहर चलते हैं और मेरे दोस्त उदय को भी उदय से भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपसे। देखिए बाहर आ गए और ये जो मेरे दोस्त उदय, तो ये बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं और हम दोनों इससे पहले जो मतलब एक और कॉन्ट्रैक्ट था मेरा म्यूजिका में मिले थे और यहाँ पे हम साथ में मिले, तो एक मेरे बड़े भाई जैसे हैं और काफ़ी मेरी हेल्प भी कर रहे हैं यहाँ पे शिप में, मतलब कंप्यूटर के मास्टर माइंड है तो थोड़ी हेल्प भी करते हैं। तो चलते हैं बाहर, फोटो वोटो वगैरह अच्छी मिलती है, अच्छी आती है यहाँ पे, क्या बोलते उदय भाई? सही है बढ़िया आती है, फोटो बढ़िया आती है। उदय ने कहा कि फोटो अच्छी आती है, बाकी कुछ नहीं है लेकिन फोटो बहुत अच्छी आती है। तो हमने कहा हमें तो ब्लॉग बनाना है तो हो जाएगा। तो चलो आगे चलेंगे और अच्छी चीज़ें जो भी होंगी आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे लिखा है ओशन के एमएससी मरीन रिजर्व बहामास। तो ये जो आइलैंड है वो बहामास में है और ये एमएससी ने लीज पे ले रखा है आइलैंड बहुत सालों के लिए, कितने सालों के लिए पता नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एमएससी की ही शिप आती है इस आइलैंड पे। देखिए ये एमएससी की शिप, यहाँ पे सिर्फ एमएससी की आती है इस आइलैंड में और ये आइलैंड है और ये अपना पूरा सेटअप है। देखिए यहाँ पे याट क्लब का सेटअप है और यहाँ पे अपने नॉर्मल एमएससी लोगों का सेटअप है, जैसे कि टावल्स वगैरह, जो बीच वगैरह है यहाँ पे, पुल वगैरह। तो दिखाएंगे आपको बहुत सी चीज़ें। उदय भाई को ज़्यादा पता है, उदय भाई बताइए, ये तो फोटो में भी दिए हैं, ये आइलैंड के बारे में बताइए कुछ, मतलब क्या है क्या नहीं आइलैंड में? बहुत है, मतलब स्कूबा डाइविंग है, लाइट हाउस है, बाद में बहुत सारे बास है, रेस्टोरेंट्स है, अच्छा है, बहुत कुछ है। ये सब एमएससी मैनेज करती है, मतलब एमएससी मैनेज करती है। अच्छा, क्वेश्चंस के लिए शेल्स रखे हुए हैं तो उनको हम हाथ में उठा के देखेंगे कैसे हैं। वाओ, ओहो, काफ़ी बढ़िया शेल्स लग रहे हैं सब बड़े बड़े हैं। तो यहाँ से पूरे राउंड है, देखिए ये पूरा एक डेकोरेशन बना है यहाँ से और यहाँ पे, तो अच्छा है डेकोरेटिव। ये देखिए ये गेस्ट लोगों के लिए बीच है, मतलब यहाँ पे सिर्फ गेस्ट ही लोग आ सकते हैं। क्रू का वो तरफ है ना उधर? हाँ, क्रू का उस तरफ है, तो हम लोग जाएंगे दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए गेस्ट का जो बीच है, लाइक हमारे शिप के फ्रंट डोर से ही आपको दिखता है। ये देखिए शिप का जो फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पे ही है और वो देख रहे हो आप लाइक व्हाइट कलर का जो ऊपर दिख रहा है वो लाइट हाउस है, तो वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग उधर कि नहीं? जा सकते हैं, उधर ही जाना है। तो उदय भाई कह रहे हैं वहीं पे जाना है, तो चलो चलते हैं। और ये देखिए देखिए नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, मतलब थोड़ी बहुत तो गोवा वाली फीलिंग तो आ ही जाएगी आपको यहाँ पे। तो ये देखिए जो लाइट हाउस की हम बात कर रहे थे वहाँ पे हम पहुँच गए, तो हम लोग वहाँ पे थे तो वहाँ से घूम के हम लोग यहाँ पे आए। तो पिक्चर्स फ़ोटो वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छी आती हैं, तो लेते हैं यहाँ पे हम फोटोज़, देखते हैं लाइट हाउस के पास। देखिए ये जो एरिया है यहाँ से जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, वैसे एमएससी के जहाज़ यहाँ पे आ रहे हैं तो ये इस एरिया से आते हैं। देखिए वो आपको खम्भे दिख रहे होंगे तो उसके बीच में से आते हैं, मतलब उसका कोई उनका मेजरमेंट होता है, डीप होता है उस वजह से। और वहाँ पे एक जहाज़ दिख रहा है, मुझे पता नहीं कि आप कैमरे में देख पा रहे हो कि नहीं, शायद ये कार्गो जहाज़ है। अच्छा, पायलट के लिए, यानी कि पायलट जो शिप पे आता है ना वैसा वाला जहाज़ है, वो वाली है, तो वो आती है ये एरिया से। पे एक मैप है जो आपको गाइड कर सकता है। तो उदय भाई आपको
बताएंगे कैसे क्या है। ये देखो यहाँ पे शीप लगा है, ये अपना शीप है। हाँ। तो यहाँ से हम लोग चल के आए हैं, अभी है हम यहाँ पे, ये जो स्टार दिख रहा है ये जो यहाँ पे है, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं क्रू बीच की तरफ। तो ये यहाँ से हम लोग ऐसे जाएंगे, और ये क्रू का एरिया है, मतलब क्रू के लिए स्पेशली रखा है, तो हम लोग इधर जाएंगे। और ये जो इधर एरिया दिख रहा है, यहाँ पे सब मतलब स्कूबा डाइविंग वगैरह वो सब होता है, जेट स्कीइंग वगैरह होता है, तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं क्रू के लिए। क्रू के लिए तो देखिए सब अच्छी तरह से यहाँ पे मैप पे समझाया है, और देखिए ऐसे यहाँ पे लिखा है, देखिए जैसा जो ये मार्क है यू आर हियर, जैसे उदय भाई ने भी बताया था ना, यहाँ पे देखिए यू आर हियर, तो ऐसे साइंस दिए गए हैं। बाद में वेलकम सेंटर, रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं, बार्स कहाँ पे हैं, टॉयलेट्स कहाँ पे हैं, डाइविंग जो कि स्कूबा डाइविंग जो बता रहे थे, बीच एंड ओशन रेंटल्स, यॉट क्लब, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस मैप में दी है, तो काफ़ी अच्छे से बताया है। स्कूबा डाइविंग वगैरह वो यहाँ पे है, तो उदय भाई बताएंगे कि कैसे क्या है, कहाँ पे है, बताओ दे। ये जो दिख रहा है एरिया, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग होता है, वहाँ पे सब गियर्स वगैरह रखे हैं। अच्छा। तो आगे जाओगे तो वहाँ पे जेट स्की वगैरह जो रखे हैं। अच्छा। किसी को जेट स्की करना है तो ऐसा पूरा वहाँ से निकाल के पूरा समुद्र जो घूम के आप आ सकते हो। अरे वाह। और सामने जो दिख रहा है वो जो कलरफुल दिख रहा है वो कॉटेजेस है। अच्छा। आप यहाँ पे प्री बुकिंग कर सकते हो और यहाँ पे रह सकते हो। अच्छा, तो हाँ वो कॉटेजेस है, यहाँ पे बुफे है, और ये देखिए इतनी बड़ी लाइन लगी है अपने गेस्ट लोगों की। तो ये जो एरिया है बुफे, जहाँ पे मतलब जो भी गेस्ट लोग आते हैं यहाँ पे कर रहे हैं, अभी मैं आगे ज़्यादा जाऊँगा नहीं, यहीं से दिखाऊँगा। तो यहाँ पे खाने वाने की व्यवस्था होती है। क्रू कोव, क्रू ओनली बीच, यानी कि यहाँ पे क्रू के लिए ही बीच है। तो ये अपना एरिया देखते हैं कि कैसा है ये एरिया। क्रू पुल पे थोड़े फोटो वगैरह लिए उदय भाई ने, और अब हम यहाँ पे सनबेड है, सनबेड क्या कहते हैं पता नहीं, क्या कहते हैं, सनबेड ही है, सनबेड ही है, उदय भाई कह रहे हैं। तो यहाँ पे लेटे हैं, और यहाँ पे लेट कर जैसे कि जो आगे का नज़ारा है उसे व्यू कर रहे हैं, ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी की लहर, वेरी ब्यूटीफुल, तो अच्छा लगा, मतलब ओशन के में आके अच्छा लगा। मतलब यहाँ अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो गोवा जैसा ही टेम्परेचर है, गर्मी शायद गोवा में इससे ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी नहीं, और अच्छा था व्यू, अच्छा था। अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और फिर निकलेंगे क्या? तो फिर उदय भाई कह रहे हैं फिर निकल जाएंगे, तो थोड़ी देर बैठते हैं, अगर कुछ करेंगे तो आपके। हम लोग क्रू बीच से निकल गए, और यहाँ पे काफ़ी पेड़ लगे हैं, तो हम ऐसे ही पेड़ों को देख रहे थे कि कौन से फल वाले हैं, क्या है, तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इनमें, लेकिन अलग अलग तरीके के हैं पेड़ यहाँ पे बहुत सारे। तो ये तो लाइक वो साइड में जैसे गेस्ट एरिया देखे, वहाँ पे वॉलीबॉल गेम खेला जा रहा है, तो अच्छा है मतलब। और अभी चलते हैं हम आगे, उदय भाई कहाँ लेके जाते हैं, क्या करना है उदय भाई, निकलना है, तो उदय भाई को निकलना है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1-1.5 घंटे में हो गया, तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे कुछ होगा, नहीं तो फिर शिप में ही जाएंगे। पहले हमने डिसाइड किया कि अभी अपन शिप पर चलते हैं, क्योंकि जो कुछ देखना था वो हमने देख लिया। नॉर्मली यहाँ पे अच्छा उनके लिए जो नहाना वगैरह पसंद करते हैं बीच पे, हम इस बार नहीं नहाए, लेकिन सोच रहे कि नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो ज़रूर नहाएंगे। वैसे कपड़े लेके आएंगे, कपड़े लेके नहीं आए थे, जो भी टावल वगैरह लगता है वो। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो अभी 2:30 बज रहे हैं, तो अभी चलते हैं शिप के अंदर। घूम के हम आ भी गए, और मैं कैबिन आ गया अपने, 2:40 हो रहे हैं, तो लगभग 1 बजे, 1:10, 1:05 ऐसे हम लोग गए थे, तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि अगर आपको नहाना है वहाँ पे तो अच्छा है, और जैसे कि मोस्टली क्या होता है, जैसे यूरोपियन क्रू मेंबर्स हैं वो उन्हें सन चाहिए होता है, हम तो इंडिया में इससे ज़्यादा सन होता है, तो हमें ठीक था, मतलब अच्छा था, इन्जॉय किया, नई नई जगह थी, फोटोग्राफ्स काफ़ी अच्छा है, मतलब क्योंकि जो बैकग्राउंड जो लाइट थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो हर फोटोज काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं पोस्ट करूंगा तो आप देख सकते हो, तो अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो शायद सोच रहे हैं कि वहाँ पे हम नहाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा और ज़्यादा मज़ा आएगा, तो अच्छा था, बाहर जाना ही था, और जाके आ भी गए ओशन के आइलैंड, देख लिया मैंने, काफ़ी अच्छा है। और कोई भी अगर गेस्ट लोग ऐसे अगर जो क्रूजिंग करते हैं, तो US की आप क्रूजिंग कर रहे हो जहाँ पे ओशन के एक आइलैंड है, तो आपके लिए फुल टू इन्जॉयमेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छा है, क्योंकि गेस्ट ने बहुत इन्जॉय किया मैं देख रहा था, क्योंकि उनके लिए काफ़ी मज़े, आराम से वो रिलैक्स इन्जॉय कर सकते हैं। तो बस इतना ही इस ब्लॉग में, ओशन के आइलैंड घूम के आ गए हम, ख़त्म करते हैं, और जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।
कहीं नई जगह पे जाएंगे या यहीं पर ऑन बोर्ड शूट करेंगे। वैसे मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि अभी मैं कल देख रहा था एक कमेंट जिसमें मुझे शिप पे इंटरनेट कैसे वर्क करता है, क्या होता है, उसके बारे में वो पूछ रहे थे। तो वो एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं बनाऊंगा वीडियो, मुझे टाइम दीजिए थोड़ा, मैं आपके हर एक एक कमेंट और एक एक डाउट क्लियर करूंगा वीडियो बना के। तो थैंक यू, बाय बाय।